Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
गुरुदेव हे सोलनेश जयपद गोस्वामी महाराज आने वाला था, तो आप लोग जानते हैं सुना होगा गुरु महाराज 11 तारीख आया हुआ है और अभी बाहर आज में, तो इसलिए 27 को गुरु महाराज को हम लोग नहीं मिल रहे। तो इस बार रथ यात्रा में हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे मायापुर धाम से श्रीमद भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज। भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आज का जो हम लोग डिसाइड करेंगे कुछ सभा है, क्योंकि हम लोग इस बार 2000 भक्त का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ सेवा रहेगा। इन भक्त लोग बाहर से जो आएगा तो उनको कुछ सेवा करना है, तो इसलिए हम लोग को कुछ सेवा है। सेवा का कुछ यहाँ पे अलग अलग बंटन किया गया, कुछ नाम है, आप लोग यहाँ पे शामिल हो सकते हैं कि रंधन सेवा है, क्राउड कंट्रोल सेवा है, तो इस प्रकार अलग अलग से कुछ सेवा दिया गया। तो आप लोग अगर साता है तो आप लोग कुछ ना कुछ सेवा कर पाएंगे। तो शास्त्रों में बता दें कि हमको हमारा जो भगवत भक्ति शुरू होता है किससे? सेवा से। तो सेवा में जो भी सेवा मिलेगा हमको सेवा में पहले उत्साह होना चाहिए। जो भी सेवा एक ही हमको मन में होना चाहिए कि ये भगवान का सेवा है, ऐसा नहीं कि मैं उधर जाके परिश्रम कर रहे हैं, ऐसा ऐसा मन में नहीं। किसका सेवा है? भगवान का सेवा समझ के हमको उत्साह से सेवा करना, और हमारा सेवा से किसी का मन में दुख नहीं आना चाहिए। अगर किसी को हम कुछ बढ़ा करके डांटेंगे तो उनका दुख मन में दुख आएगा, तो हमारा जितना भी सेवा किया जितना भी पुण्य वहां पे समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी सेवा अगर हमको करना तो जिसके लिए हम कर रहे हैं उनको संतुष्ट होना चाहिए। हरे कृष्ण। मंदिर पे जो भक्त लोग आता है उनको सेवा देने के लिए, सेवा करने का मौका एक मौका है, दूसरा को भक्त को सेवा करने का। तो इसलिए हम लोग इस बार व्यवस्था की कि हमारा मंदिर पे जो भक्त लोग आते हैं घंटे में हफ्ते में जो आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ सेवा में लगाना, इसलिए आप सबको सेवा दिया जा रहा है। और कोई है? पूरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जगन्नाथ जी का रसोई इतना बड़ा है, तो इसलिए जगन्नाथ जी का जो भोग रंधन है प्रसाद, तो वहां पे हमारा प्रधान रहेगा हमारा सीतापति राघव दास प्रभु, तो उनके साथ 15 भक्त चाहिए रसोई में जगन्नाथ जी का खाना वाना नाम है। तो आपका यहाँ पे अगर कोई है तो उसी से अपने सहयोग करना, आप हाथ उठा सकते हैं। 15 सही, 15। एक प्रोजेक्ट नाम लिखिए, प्रोजेक्ट नाम लिखिए, एक एक करें उनका नाम रसोई का सभा। ये तो सौभाग्य का बात है कि सभा का मुक्तार का मुझे मुक्तार का मुझे कितना गया सभा थोड़ा मोटा मोटा होनी चाहिए। और दो क्या नाम है प्रभु जी? गणेश दास। और एक कौन प्रभु जी? नाम राजू दास। अरे बोल, 10 आ गया। तो हम लोगों को रंधन सभा में 10 भक्त मिल गया, तो उनके लिए एक बार हरे कृष्ण का मंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोल। नेक्स्ट हमारा बलभद्र करुणामय दास प्रभु आज हम लोग के लिए करुणा क्या है, अभी पिटू नहीं है, बलभद्र करुणा सिंधु, बलभद्र करुणा सिंधु, तो उसका परिवार के लिए हम लोग से, तो उसका परिवार के लिए हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र दोहराएंगे। हरे कृष्ण राम 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 हरे, करुणा सिंधु को पुष्प
को मन लगे हमारा मुकुंद प्रभु आशीर्वाद कह रहे हैं आप लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र दोहरा के उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चंपक लता देवी दासी तो उसके लिए भी हम एक बार हरे कृष्णा महामंत्र दोहराएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ साथ में अकेला बार हमारा डॉक्टर बेलरूबी जैसा इस तरह गुरु महाराज का प्राप्त हो इसके लिए भी हम लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र दोहराएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण तो सब लोग का मालूम है हमारा विधा पे जो रसराज गिरिजाली का सहधर्मिनी सृष्टि माता जी सृष्टिशील उसका गुरु महाराज कृपा करके उसका नाम रखा है सीतालंगी रुक्मणी देवी दासी। तो उसके लिए भी हम लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र दोहराएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो नाम रखा है इसको इसको भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो पहला का जो नाम है वो नाम और अभी का नाम के कितना डिफरेंस है? से भक्ति लाइफ शुरू होता है और भक्त लोगों को पहला जो कर्मी नाम होता है दीक्षा का माध्यम से नाम चेंज करता है। क्यों? क्योंकि इसी जगत में जो भी लोग हम लोग यहाँ है सब लोग हम लोग कहाँ से आया? भगवत धाम से। प्रभु भगवत धाम से आया हम लोग भगवान का नित्य भक्त नित्य पार्षद। लेकिन वहां क्या हुआ भगवान से हम लोग ईर्ष्या किया इसी वजह से दंड स्वरूप भगवान हम लोगों को कहां भेज दिया इसी जगत में। इसीलिए इसको कहते हैं कारागार। जैसे हम लोग इस दुनिया में कुछ अगर गलती किया फिर हम लोगों को कहां भेजते हैं? जेल में भेज देते हैं। उसी प्रकार भगवत धाम में हम लोग कुछ गलती किया इसीलिए भगवान हम लोगों को सुधारने के लिए कहां भेज रहे हैं? मृत्यु लोक में। तो ये जो नाम हम लोगों को दे रहे हैं ये नाम कहां था पहला? जैसे सर्वलोकनाथ दास कृष्ण मुकुंद दास हम लोग पहला जब भगवत धाम में था उसी समय भी हमारा यही नाम था। समझ गए ना? इसीलिए बहुत दिन इंतजार करने के बाद और एक एक भक्तों को एक एक नाम प्रदान करने के लिए हमारा गुरु महाराज बहुत समय लेता है। और भगवान से जब नाम डिसाइड होता है कौन सा भक्तों को कौन सा नाम दिया जाएगा गुरुदेव जो सदगुरु होता है उनका पास ऐसा पावर होता है दूसरा किसी के पास नहीं है। वो डायरेक्ट भगवान को पूछता है इनको कौन सा नाम दिया जाए। समझ गया ना? अपना मन मर्जी से किसी को कोई नाम नहीं देता है। तो भगवान कहता है ये हमारा धाम का इसी तरह का भक्त था इसी ये भक्त जब हमारा धाम में था तो उसका नाम यही था। समझ गया ना? तो वही नाम हमारा जो शाश्वत नाम है वही नाम हम लोगों को दिया जाता है। और नाम से भक्तों का स्वभाव का पहचान होता है। अभी हम लोगों का भक्त लोग इस्कॉन में जितना सारा भक्त है जितना गुरु है एक गुरु का अगर 10,000 शिष्य है तो 10,000 नाम होगा। एक नाम दो भक्तों को नहीं दिया जाता है। समझ गया ना? और उसी भक्तों का नाम का ऊपर उनका स्वभाव होता है। समझ गया? जैसे किसी का नाम है लीलाराज किसी का नाम का पहला मित्र होता है तो उनको बंधु का स्वभाव होता है। किसी का नाम का पहला सेवा होता है जैसा सेवा शक्ति। समझ गए ना? तो उनका अंदर सेवा का बहुत सारा भाव रहता है। तो हर नाम का पीछे जो है ना वो सेवा का साथ जुड़ा रहता है। तो ये आध्यात्मिक नाम भगवान का धाम का ही नाम है गुरु का थ्रो में फिर से उनको प्रदान किया जाता है। और हमारा काम क्या है दीक्षा के बाद उसी नाम का माना रखना। समझ गया ना? क्योंकि देखिए जब समुद्र मंथन हुआ उस समय देवता और असुर दो कतार में बैठ गया। आप लोग सुन रहे कि नहीं?
तो राहु असुर क्या किया, देवताओं का रूप लेके, देवताओं का रूप लेके देवता का अंदर घुस गया, समझ गया ना। लेकिन वो था कौन? असुर। देवता का अंदर घुस गया, लेकिन देवताओं का अंदर घुसने के बाद देखने में उसको कैसा लग रहा है? देखने में उसको देवता का अंदर जब घुस गया अमृत पीने के लिए, देखने में उसको कैसा लग रहा है? देवताओं का तरह। लेकिन वास्तव में वो देवता है कि नहीं? वास्तव में वो देवता नहीं था। ठीक उसी तरह जैसा राहु असुर देखना में देवताओं का तरह था लेकिन वास्तव में वो देवता नहीं था, उसी प्रकार हम लोगों को देखने में कैसा लग रहा है? वैष्णव लग रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? देखने में हम लोग वैष्णव लग रहे हैं लेकिन राहु असुर का तरह हम लोगों का स्वभाव नहीं होना चाहिए। देखने में वैष्णव लग रहे हैं लेकिन अंदर रावण को भी वैष्णव का तरह दिखाई दिया ना। रावण जब सीता माता के पास आया उस समय रावण को भी साधु का जैसा लगा। तो उसी प्रकार जैसे हमारा नाम होता है, जैसा हमारा रूप होता है, उसी प्रकार हमारा अंदर का भी भाव होना चाहिए। ना रावण जैसा होना चाहिए ना राहु जैसा होना चाहिए। हरे कृष्ण। That time I just went, I felt like it's home and I have come to my home. That's why that was my first meeting. From then itself I got connected. I felt that I have some connection with Guru Maharaj from then itself and started following his instructions. And by his mercy and by Krishna's mercy and the blessings of all of you, I have got initiation now. And also with all the blessings and guidance of Parvapata, His Grace Parvapata Guru Prabhu and Sadhani Mother Julia, just standing before you initiated, otherwise it would have not been possible. What is the difference between us? When I was standing before Guru Maharaj, I felt that I'm not seeing him for the first time because we are not talking to him regularly. We hear his instructions, that's all. But when I was standing before him, I felt that I'm standing before someone whom I know well and I can communicate and I can really share my thoughts like that. It was not really very new that to a new person I'm standing, it was not like that. I really felt the connection. That was really a different feeling which cannot be expressed. It can only be experienced. I have really dedicated my life to check Mahaprabhu's mission and also Prabhupada's mission, and I will always throughout my life follow this and also follow the instructions of Guru Maharaj. Hare Krishna. Maharaj Adesh Upadesh Anusare Krishna Sabha Korte Pare Acharye Thank you.